अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरशद अली कुरैशी है और मैं सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोच हूँ स्नूकर का। ऑल्सो हेड कोच हूँ IBSA इस्लामाबाद का, इस्लामाबाद बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन का। मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं पूरी दुनिया से, पूरे मुल्क से, मुख्तलिफ शहरों से स्नूकर के हवाले से कि आप हमें मुख्तलिफ लाइन्स पे गाइड करें। तो मैंने ये एक वीडियो ट्यूटोरियल स्टार्ट किया है जो कि छोटे पार्ट्स में अवेलेबल होगा बहुत से प्लेयर्स को, और बहुत से कॉन्सेप्ट्स और उनके क्वेश्चन आंसर्स जो भी मेरी ईमेल में हैं 1-to-1 में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आज का जो मेरा पहला सब्जेक्ट है वो है लाइन ऑफ फेम। मेरे से बहुत सारे लोग बहुत सवाल करते हैं, रेगुलरली मुझसे पूछते हैं कि सर ये हमें बताएं कि लाइन ऑफ फेम बेसिकली होती क्या है और इसकी क्या ज़रूरत होती है हमें गेम में। तो आज आपको मैं थोड़ा सा एक इसका ट्यूटोरियल दूंगा, फिज़िकल एक लाइन ऑफ फेम बनाकर, और ये कि वो कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ तक चलती है और लाइन ऑफ फेम का हमारी गेम में क्या ताल्लुक है। इस वीडियो के दो पार्ट्स होंगे, ये पार्ट 1 है और इसके बाद पार्ट 2 में एंगल्ड लाइन ऑफ फेम के ऊपर भी आपको एक छोटा सा लेक्चर दूंगा। तो मेरे साथ मेरे असिस्टेंट हैं अली को कहते हैं कि अली अगर जो आप कैमरा इस तरफ ले आए जहाँ पे मैंने ये रिबन एक सेट किया हुआ। अब आप लोग ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये रिबन जो है आपको नज़र आ रहा है कि एक पिंक कलर का रिबन जो है वो टेबल के ऊपर मौजूद है। बेसिकली ये एक लाइन ऑफ एम को मैंने फिजिकल लाइन ऑफ एम दिया है, इट्स ए वर्चुअल लाइन ऑफ एम। किसी भी शॉट के लिए जब आप इसकी एग्जांपल मैं इस तरह दूंगा कि जब आप इंटरनेट पर गेम खेलते हैं या कंप्यूटर पर आप जब गेम खेलते हैं और आप देखते हैं फेसबुक पे कभी एक बॉल पूल बहुत लोग खेलते हैं, स्नूकर खेलते हैं, उसमें एक लाइन हल्की सी चल रही होती है जो कि कंप्यूटर आपको एक आइडिया दे रहा होता है कि ये लाइन जिस तरह आप अपने क्यू को मूव करते हैं वो लाइन ऑफ एम चेंज होती रहती है। तो लाइन ऑफ एम बेसिकली यही एक कॉन्सेप्ट है जो कि वर्चुअल होती है, नजर नहीं आती। अब यहाँ पर मैंने ये पिंक कलर का रिबन लगाने का मकसद ये था कि मैं एक लाइन ऑफ एम आपको ड्रॉ करके दिखाऊं कि लेट्स से मेरा अगर जो बॉल ब्लू बॉल मेरा पड़ा हुआ है यहाँ पर और वाइट बॉल मेरा यहाँ पर पड़ा हुआ है तो लाइन ऑफ एम क्या होगा। बड़ा सिंपल सी इसकी लाइन ऑफ एम बनती है और लाइन ऑफ एम हमारी जो है वो पॉकेट से स्टार्ट होती हुई थ्रू बॉल्स और फिर आगे नीचे फ्लोर तक आती है। मैं भी आपको थोड़ा सा जल्दी से कहूँगा वो मूव करेंगे इसको। तो लाइन ऑफ एम जो है वो इस तरीके से अगर जो हम फिजिकली देखें तो इस तरह से होती है, वैसे ये वर्चुअली होती है, हमें एज्यूम करनी होती है, हमें एक्सपीरियंस से इसको जज करना होता है कि लाइन ऑफ एम कैसे चलती है। अब मैं अली से रिक्वेस्ट करूंगा कि अली अगर आप इस तरफ ले आए कैमरा तो हमारे नाजरीन जो हैं वो थोड़ा सा लाइन ऑफ एम को बेहतर तरीके से देख सकेंगे। अब मैं आपको ये बताऊँगा जनाब के दोस्तों के लाइन ऑफ एम बेसिकली कितनी होती है। लाइन ऑफ फेम आपकी मिडल पॉकेट से स्टार्ट होती, आपकी जो भी आपकी पॉकेट है, चाहे आपकी कॉर्नर पॉकेट है, कहीं से भी वो पॉकेट के सेंटर से स्टार्ट होती हुई आपके ऑब्जेक्ट बॉल कहते हैं जिस बॉल को आपने हिट करना हो। इन दिस केस ये ब्लू लाइन जो है वो एक आपकी ऑब्जेक्ट बॉल है, उसके बाद ब्लू बॉल जो है वो ऑब्जेक्ट बॉल है और व्हाइट बॉल आपका क्यू बॉल है। तो लाइन ऑफ फेम हमारी स्टार्ट हुई मिडल ऑफ द पॉकेट से लेकर ब्लू पे आई, ब्लू के मिडल से स्टार्ट हुई व्हाइट बॉल तक और व्हाइट के बॉल इस पॉकेट तक वो आ गई। अब ये लाइन ऑफ एम हमारी आप देख रहे हैं बड़ी सिंपली हमारी आईज जो है अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी हमें नेमत दी है, बाकी तमाम नेमतों में ये भी बहुत अहम नेमत है कि हम फौरन हमारा विजुअली जज हो जाता है कि ये लाइन कैसे बन रही है। अगर वर्चुअली भी हम देखें और ये पिंक रिबन ना भी हो हमें पता लग जाता है कि यार एक सीधी लाइन हमारी कैसे आती है। इन दिस केस हमने देख लिया कि ये लाइन ऑफ फेम पॉकेट से स्टार्ट हुई, ब्लू से आते हुए वाइट बॉल में आई और इस पॉकेट में जाके ख़त्म हो रही है। बेसिकली यहाँ पर एक बड़ा मज़ेदार आपको मैं बात बताऊँ जो कि मोस्टली लोगों को ये मालूम नहीं होता कि ये लाइन यहाँ पर ख़त्म नहीं होती बल्कि इसकी एक कॉन्टीन्यूएशन होती है जो कि बहुत ही अहम एलिमेंट है, जुज़ है स्नूकर का, जो कि हमारे मोस्टली जो प्लेयर्स हैं वो इसको मिस कर देते हैं। ना सिर्फ जूनियर प्लेयर्स बल्कि कई एवरेज बेटर प्लेयर्स होते हैं उनके भी कॉन्सेप्ट में ये चीज़ नहीं होती कि लाइन ऑफ फेम बेसिकली कहाँ तक चलती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अली को कि अली यहाँ पे अगर कैमरा लाएं तो मैं आपको बताऊं कि ये लाइन ऑफ एम जो है ये बेसिकली पॉकेट से स्टार्ट होती हुई, बॉल्स के थ्रू होती हुई, इधर से होते हुए फ्लोर के ऊपर भी क्रिएट होती है। आप ये देख रहे होंगे कि मैंने कंटिन्यूएशन इसकी बनाई है, तो ये कंटिन्यूएशन जो है हमारी, इसका मतलब है कि लाइन ऑफ फेम अगर हमारा एक स्ट्रेट पॉट है, लेट्स से इन ब्लू बॉल के केस में कि हमारा स्ट्रेट पॉट है, तो स्ट्रेट बॉल पॉकेट से स्टार्ट होगा, लाइन ऑफ फेम ब्लू से होती हुई, येलो व्हाइट से होती हुई, पॉकेट से होती हुई और फ्लोर के ऊपर भी आ जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि लाइन ऑफ फेम, जिन लोगों ने तो सवाल किया उनको तो आइडिया है, या जिनको ने सवाल नहीं किया वो ये सोचते होंगे कि जी हम ये इस लाइन ऑफ फेम का हमें फायदा क्या है। अब मैं आपसे ये कहूँगा कि बीइंग ए प्रोफेशनल कोच के पूरी स्नूकर इस लाइन ऑफ फेम के ऊपर खेली जाती है। इसके बाद इस लाइन ऑफ फेम से हमने फायदा कैसे उठाना है, हम इसको अपने आप को कनेक्ट कैसे करते हैं, हमारा स्टांस इसमें कैसे काम आता है, उन सारी चीज़ों को मिलाकर ये लाइन ऑफ फेम जो है हमारे काम आती है थ्रू आउट आवर कैरियर। चाहे हम 10 की ब्रेक बनाएं, चाहे 20 की बनाएं, चाहे 110 की बनाएं, चाहे 120 की बनाएं, ये लाइन ऑफ फेम हमारी हर शॉट में हर जगह पर मौजूद होती है। अब आपका एक सवाल और भी आता होगा कि एंगल के ऊपर लाइन ऑफ फेम किस तरीके से बनाई जाती है, तो इसको मैं अपनी इसी वीडियो के पार्ट 2 में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अगर जो फर्ज करें मेरा वाइट बॉल यहाँ पर होगा तो क्या लाइन ऑफ फेम बनेगी इसी ब्लू को उस बॉल में पॉकेट में पॉट करने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वीडियो 1 और पार्ट 2 के लिए मैं इंतजार करें, इंशाल्लाह मैं जल्द अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।